हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म। और कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। यार अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो और किसकी हैबिट की हमें किताबें ही पढ़नी है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको करीब 12-13 बुक के रिव्यू बताने वाला हूँ। मेरे पास सारी बुक है, सो यू डोंट वेरी, सारी बुक मैं लेके हम मार्केट से परचेस करके लाऊंगा, बिल्कुल नई ब्रांड है। तो चलिए बात करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें तो दो पेपर होंगे हमारे यहाँ पर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर की हम लोग यहाँ पर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिलर फॉर्म आपको फ्री ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर की बुक अलग आती है, सेकंड पेपर की बुक अलग है। ठीक है, ये एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। हिंदी मीडियम की भी बुक मेरे पास है और इंग्लिश मीडियम की बुक मेरे पास है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पेपर का। देखिए ऐसे नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, मेरे ऐप पे जाना आपको डीपली नोट्स भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन बुक्स भी मैंने अपलोड कर दी है, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सारा कंटेंट मेरे ऐप पे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री कंटेंट है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि यार सेकंड पेपर का मिल जाए तो वो भी है यार। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बुक की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सोल्ड पेपर। काफी लोग बोलते हैं सर सोल्ड पेपर के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली। देखिए जितना आप लोग सोल्ड पेपर पे ध्यान दोगे, TYQ पे ध्यान दोगे, उतना बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने एक बुक लाया हूँ जहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो दोस्तों ये वाली बुक आपने काफी बार देखी होगी। ठीक है, इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको अभी सेंड करूंगा। तो दोस्तों इस बुक में क्या है, 2021 और 2022 के भी पेपर है। ठीक है, तो 2021 और 22 के भी पेपर है। दोस्तों यहाँ पर ये पेपर है 2017 से लेकर 2022 तक के यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बुक का अगर मैं प्राइस आपको बताऊं तो दोस्तों ये बुक है 300 की। ऑनलाइन की रेट अलग होगी, बट मेरे जयपुर की रेट अगर मैं बात करूँ 300 की बुक है। और दोस्तों इसमें जो टोटल पेज की मैं बात करूँ 672 पेज है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में पेपर है, दोनों लैंग्वेज में पेपर है, हिंदी और इंग्लिश में सोल्यूशन पेपर मिलेगा। सोल्ड पेपर के लिए बेस्ट ये दोस्तों बुक है। राइटर का मैं नाम आपको बताना चाहूंगा, आनंद कुमार जी की बुक है। ठीक है, जिसका आप लोग परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है और लैंग्वेज भी काफी अच्छी है। इसमें आपको ओनली सोल्ड पेपर ही मिलेंगे, सोल्ड पेपर में कोई मॉडल पेपर नहीं, सारे PYQ पेपर आप ये इसको परचेस कर सकते हो सोल्ड पेपर के लिए। ठीक है, ऐसे तो मैंने अपलोड कर दिया, फिर भी आप इसको परचेस कर सकते हो। सेकेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों बुक की, तो यहाँ पर हमारे पास है दोस्तों साहिबा बुक है ये। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल बुक है, आप इसको ले सकते हैं, बट इतनी बेसिक ये बुक नहीं है, तो इसको मैं नहीं बोलूंगा ना लें, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। फर्स्ट पेपर की जनरल पेपर की बुक है, जहां पर AJ थ्योरी काफी कुछ है, बट AJ कंटेंट ज्यादा कंटेंट यहाँ पर नहीं दिया गया। तो मैं यहाँ पर किसी बुक का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो बुक हमने कंप्लीट कर दी। इसके बाद दोस्तों सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूँ यहाँ पर वो है KVS की। ठीक है, KVS मदान, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इसका 4th आ चुका है, मतलब 4th जो इसका बुक का है वो आ चुका है, काफी के बाद ओल्ड बुक है, तो 4th वाला आ चुका है। दोस्तों मार्केट में बुक आपको 300 की इजीली मिल जाएगी। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या दिया गया है, पूरे पेपर के जो कंटेंट है, इसके बाद फिर उनके कुछ क्वेश्चन दिए गए और लास्ट में PYQ दिए गए। तो ये पेपर, ये बुक है जो आपको देखने को मिल जाएगी, मार्केट में इजिली मिल जाएगी, बेस्ट बुक है ये मेरे लिए। अगर आप इस पूरा कवर कर जाओगे तो आपका नेट एग्जाम क्रेक हो जाएगा। फर्स्ट पेपर की अभी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग दोस्तों यहां पर बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की। काफी लोगों के पास होगी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ऑक्सफोर्ड की नहीं मिलेगी, ओनली इंग्लिश मीडियम की ऑक्सफोर्ड की बुक आ चुकी है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बुक है, बट इतना कंटेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑक्सफोर्ड की बुक काफी अच्छी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों JPC वाली, JPC वाली है, UGC नेट की, ये भी सोल्ड पेपर है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये ओनली 200 की बुक है। अगर आपको पर यहाँ पर डीपली नहीं दिया गया है, मतलब समझाया नहीं है क्वेश्चन को, इजीली आप ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें अरियंत की, फर्स्ट पेपर में अगर हम लोग अरियंत की बात करें इंग्लिश मीडियम की, अगर हम लोग बात करें जो 5th वाला है, जहां पर आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको कंफर्म यहां पर कर देता हूं। दोस्तों यहां पर आपको 10 यूनिट इन डीपली विद MCQ और बाद में आपको 15 पेपर सेट मिलेंगे, तो ये अच्छी बुक है, बट इतना नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं हिंदी मीडियम में डस्टी की। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छी बुक है, यहाँ पर आप लोग ले सकते हो, मार्केट में अच्छी इसकी डिमांड है। बट फर्स्ट पेपर में ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वो है दोस्तों KVS मदान की। तो भैया जाओ KVS ही मदान लेनी है। और सोल्ड पेपर के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो। ठीक है, सोल्ड पेपर के लिए आप ये वाली बुक इजिली ले सकते हो मार्केट में। तो फर्स्ट पेपर का डाउट क्लियर हो चुका है आप लोगों का, मतलब हमें एक तो KVS वाली लेनी है और सोल्ड पेपर की लेनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की कौन सी बुक बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों सेकंड पेपर में एक बुक में आपका काम नहीं होगा, यस एक बुक में काम नहीं होगा। सोल्ड पेपर आप
ले आओ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए 81 सब्जेक्ट है सेकंड पेपर में, ठीक है। तो 81 का मेरे को पता नहीं कौन सी बेस्ट, किस राइटर में कौन सा बेस्ट है, तो इसका मैं देखो फालतू में ज्ञान नहीं दूंगा, गलतफहमी हो जाए आप लोगों को। तो एक बुक से आपका काम नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करें, देखिए सेकंड पेपर में आपको क्या करना है, आपने जहां से बैचलर किया है और जहां से मास्टर किया उनकी बुक आपको रीड आउट करनी है। यार मान के चले मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, तो मेरा जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, नेट एग्जाम का, वो मोस्टली एमसीए और बीसीए में आया हुआ है, तो मैं वही बुक आराम से रीड आउट कर पाऊंगा। और मेरे पास काफी बुक है, अगर आप लोग बैक साइड में देखोगे सारी बीसीए और एमसीए की बुक है, और रियली मैं काफी डीपली है, मतलब सेकंड पेपर में 10 यूनिट होती है, तो हर एक यूनिट के लिए एक बुक चाहिए, तो 10 बुक तो हम मार्केट से लाएंगे नहीं। अब आप बोलोगे सर मेरे पास बुक तो है ही, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है जूनियर सीनियर उनसे बात करो यार, इतने हम लोग हाई हेलो कर ही लेते हैं, उनसे बोले यार बुक दे दे। और नोट्स बनाना जरूरी है, देखो सेकंड पेपर के लिए नोट्स तो बनाना जरूरी जरूरी 100%। फर्स्ट पेपर के लिए नोट्स ना बनाए पर सेकंड पेपर के लिए बनाए। अब हम लोग सेकंड पेपर की एक बुक है दोस्तों मेरे पास, जो मैंने लाई था अरियंत की, अरियंत की बुक है, काफी मोटी बुक है, 500 की बुक थी कंप्यूटर साइंस की, बट इसमें पूरा कंटेंट मेरा कवर नहीं होता है। फर्स्ट टाइम की बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम लाया तो मेरा पूरा कवर नहीं हुआ, मेरा नेट एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं हुआ था, मैंने एक ही बुक पढ़ी, फिर मैंने दोस्तों अपने माइंड को मतलब अपने अकॉर्डिंग किया, और फाइनली मेरा नेट एग्जाम क्रैक हुआ, जारी भी हुआ, मैंने अलग अलग बुक पढ़ी और नोट्स बनाए। देखिए दोस्तों जब आपका एग्जाम का टाइम रहेगा तो आप अलग अलग बुक को रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप किसको करोगे, आपके नोट्स को ही आप रिवाइज करोगे, ठीक है। तो नोट्स बनाने स्टार्ट करो। अब काफी लोग बोलेंगे सर ओवरऑल कितना खर्चा आएगा, तो देखिए बुक का अगर हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करें तो 500 में आपकी बुक का तो ओवरऑल हो जाएगा, सेकंड पेपर में खर्चा ना करें सोल्ड पेपर ले आओ, ठीक है, उसमें मोस्टली हो जाएगा, मतलब 1000 रुपये तक आपका काम हो जाएगा। फ्री पेपर आपको फ्री कंटेंट चाहिए, पैसा भी खर्च नहीं करना फर्स्ट पेपर के लिए, 500 रुपये भी खर्च नहीं करने, तो टेंशन वाली बात नहीं है, फर्स्ट पेपर की गारंटी मेरी है, फर्स्ट पेपर में आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, हिंदी में नोट्स भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश में भी नोट्स आपको मिलेंगे, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, क्लास को ज्वाइन कीजिए, और फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी आपका किसी भी अकॉर्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।